नहीं है। आप अगर ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग मेल है और अपनी आवाज से मुझे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर मुझे ये कहा ना कि मैं नहीं बोलूं, मैं आपको आउट कर दूंगी। आप सीधा सीधा कॉल अटेंशन मूव करें, वरना मैं आगे बढ़ा देती। As she is threatening, now I move the next call attention. Call attention notice given by Mr. Khurram Sher Zaman. अगर बात करें, मैं रूलिंग दे रही हूँ। आप कह रही हैं कि आप किस तरह कह रही हैं कि पब्लिक हो जाती है। मैं रूलिंग दे रही हूँ, मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा। अम्मी जान जी बेटा, तमीज से बात करना। मैं बिल्कुल अम्मी तो तमीज से ही कह रही हूँ, अम्मी को तो तमीज से कहूंगी ना। जी बिल्कुल, शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, थैंक्यू बेटा जी। चलिए सवाल पूछिए। बाल मैडम, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ये मंजन वंजन का बेचना, ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती। पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट लाए। माइक बंद के बावजूद बोल रहे हैं तो फिर हम भी बोलेंगे। मेरा दूसरा राहुल भाई, इसकी दाद देंगे, आवाज इनकी अच्छी है। नसीरुद्दीन खालिद साहब का, उनकी भी आवाज अच्छी है। अगर ये दोनों गाना गाते तो बड़े कामयाब रहते। मुझे तो आपका हाल भी मालूम है, मुझे भी आपका हाल भी मालूम है। आप जो है ना, तशरीफ ले जाएं प्लीज। सर्जेंट ऑफ आर्म आउट ऑफ हियर, आउट किया जाए। मैं सर्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ अगर डेकोरम बिगाड़ा गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल हजफ कराया है जब आप चीख रही थी। मैं सर्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ। ये आप बंद करें ड्रामेबाजी प्लीज जी। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर कम और होंडा ज्यादा लग रहे थे। होंडा लफ्ज नहीं मौलाना साहब यूज करें, एक्सपंज कर दें जी। अच्छा जी, ये एक्सपंज कर दें जी। एक्सपंज हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे हैं। बदमाश भी जी, एक्सपंज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छे अल्फाज हैं। प्राइम मिनिस्टर कम यू टर्न ज्यादा लग रहे थे कल। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज जी। जी अब बात तो करने दें। प्लीज नो क्रॉस टॉक जी। मिनिस्टर साहब आप भी प्लीज। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं नहीं प्लीज, इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दें जी। तुम मारेगा, आ जरा मैं बताता हूँ। प्लीज 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 प्लीज, अभी सुनो, आप तशरीफ रखें प्लीज प्लीज। तशरीफ और दो टके गए और तुम्हें तो गले तशरीफ रखे चाहे जी। चलो शट अप। सवारी साहब मेहरबानी करें आप जी जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज प्लीज। शट अप। आप अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर इंसान तुम बचाओ। मुशाहिदुल्लाह प्लीज तशरीफ रखें मिनिस्टर साहब, तशरीफ रखें जी प्लीज, तशरीफ रखें जी मिनिस्टर साहब। मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, मैंने किसी को, मैं कल से बैठा हुआ हूँ। प्लीज प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें। बैठ जी, तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंस गए प्लीज, तशरीफ रखें। लोगों में बहुत खौफ हरास है, स्पेशली जो लोग रहते हैं समंदर के करीब, और समंदर की लहरें देखते हुए पता चल रहा है कि ये कोई एक आम सा तूफान नहीं है, ये काफी जोर का हिट करने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, समंदर के किनारे पे हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मजार है, वो ठीक है बिल्कुल, वजह से हम आज तक बचते आए। लेकिन ये 1940 में नीलोफर, यू डोंट नो हु नीलोफर इज, यहाँ कोई मेंबर तो नहीं है नीलोफर के नाम से। यू शुड नो, एवरीवन नोज व्हाट नीलोफर इज। नहीं मुझे नहीं पता। इट्स अ स्टॉर्म व्हिच इज हेडिंग कराची, व्हिच इज गोना बी हिटिंग कराची वेरी सून। किसी लेडी का नाम हो सकता है। मुझे नहीं पता कि औरतों का नाम क्यों रखा जाता है, क्योंकि शायद इट्स द वुमेन पावर विच पीपल आर स्केयर्ड ऑफ। कहते हैं कि नाम इसलिए, कोई नीलोफर होती थी एक जमाने में, बहुत पावरफुल औरत होती थी। इस दफा भी हम बच जाएंगे। नहीं, घबराने की बात अगर नहीं है, किसी को घबराना है तो अंदरूनी सेंस चला जाए। नहीं, इस सूरत हाल पर तो यही कह सकते हैं कि जब रूम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था,
लेकिन जब कराची में नीलूफर आने का खतरा मंडला रहा है तो स्पीकर साहब भी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। डिजाइन चेंज भी जी श्री मजारी साहब, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि दिस जो दिस बिल द वे इट्स रिटन इज रॉन्ग, इसका टाइटल ही गलत है, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट। ये कमेटी में है। नहीं बट टाइम, मजाक क्यों उड़वा रहे हैं आप? नहीं आप उड़ाने दे कमें। इसका अगर आप पढ़े फॉर बी एंड सी, फॉर हेवन सेक्स, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, माइग्रेंट्स आर नॉट इलीगल। डॉक्टर साहबा, लैंग्वेज तो सही बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, दिस इज योर ओपिनियन। मैंने आपके एफआईआर वालों को भी कहा था, दिस इज बिल इज अ जोक, कल आपके एफआईआर वालों को कहा था इसको ठीक करके। दिस इज व्हाट यू थिंक, अदर्स डोंट थिंक। दिस जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो एक वर्ड स्पेंच करते हैं इसमें से। इन्होंने कहा यार ये कर दें स्पीकर। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये नहीं है यार। किसको यार कहा? आपको। डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेन करें आपने मुझे क्या कहा। डॉक्टर साहब आपने मुझे यार, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। मेरी मजाक कहा है, किसको यार कहा है? ये कह रहे हैं आपने मुझे कहा है। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। मैं इसको मैं कमेटी में, आपने अभी फिर क्या कहा? माइक खोलें इनका, प्लीज खड़ी हो। आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं आपको क्यों इस अल्फाज से, मगर आपने फिर आगे कह दिया। फिर कह दिया मैंने वो वर्डिंग नहीं। आपको गवाही मैं चाहिए तो अपने दोनों आसपास जो है, जो पीछे दो बैठे हंस रहे हैं ना, असद उमर साहब और शबकत, उन पे मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ, आप पे मैं क्यों करूंगी? नहीं उस पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा, आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा।